हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज हमारा लाइव क्लास 4 है, ठीक है। इसमें हम एबीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यू बैच है, ओके। चलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है। ऑप्शन है उच्च घनत्व, बी उच्च द्रवता, सी उच्च संचालन शक्ति, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पारा क्या होता है। पारा यानी कि मरकरी, जो तापमापी यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। दो ही ऐसे होते हैं, एक अल्कोहल और एक मरकरी, जिसका हम तापमापी यंत्रों में उपयोग करते हैं। अल्कोहल जो होता है वो थर्मामीटर वगैरह होता है ना, थर्मामीटर में अल्कोहल और पारा पड़ा होता है। थर्मामीटर में अल्कोहल जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, फिर 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें जरूरत होती है पारा, तो हम पारे का यूज करते हैं। पारा हमारा 357 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, 357 डिग्री सेल्सियस तक का ही पारा जो है हमारा मेजर कर सकता है। इसके बाद जो होता है इसका ये बॉइलिंग हो जाता है, उबलने लगता है, ठीक। उसके बाद हमारा पारा उबलने लगता है, जिससे कि वो फिर वर्क नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उच्च संचालन शक्ति होती है, जो 357 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर कर सकती है। हमारे थर्मामीटर वगैरह में पारा ही होता है, ठीक है, जिससे हम अपना फीवर वगैरह मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आज का। चलो, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बेदीमीटर, सी सेरनोग्राफ, साइनोमीटर या बैरोमीटर। तो याद रखना, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को हम बोलते हैं साइनोमीटर। साइनोमीटर कैसा होता है, देखो, ये हमारा है साइनोमीटर, जहाँ पे ये साइड से इसकी क्या लिखी है, इसकी रीडिंग लिखी हुई होती है। हमारे एक मोबाइल ऐप भी है साइनोमीटर का, जहाँ से हम आकाश हो गया, समुद्र हो गया, वो कितना नीला है उसका हम मेजर कर सकते हैं। तो साइनोमीटर इस टाइप का होता है। ठीक, बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो अब बेदीमीटर या फिर बैथोमीटर होता है, बैथोमीटर होता है हमारा पानी की गहराई मापने के लिए, बैथीमीटर का प्रयोग करते हैं। सोनोग्राफ, स्पेलिंग गलत लिखी थी इसकी, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हमारा है साइनोमीटर। ऑप्शन क्वेश्चन थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन थ्री है हमारा, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए ऑप्शन है बेदीमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर या साइनोमीटर। तो हमें पता होना चाहिए विशिष्ट गुरुत्व होता क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल किस साधन में होता है, और इसको मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन का नाम क्या है। तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम एरोमीटर का यूज करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व किसी पदार्थ को उसके संदर्भ पदार्थ से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो हमारा विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। और इसका जो इस्तेमाल एरोमीटर विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन का नाम एरोमीटर है, ओके। अब बात करते हैं बेदीमीटर, वही पानी की गहराई मापने के लिए, और साइमोमीटर स्पेलिंग रहता है, क्रायोमीटर, उसके दो ही बनेंगे, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन फोर की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरोमीटर है, इस टाइप का एरोमीटर होता है। अब हमारा क्वेश्चन फोर आता है। क्वेश्चन फोर में हमें ये कुछ रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, और यहाँ हमें यहाँ इस जगह होगा एक्स, इस जगह है एक्स, और वाई का मान हमें निकालना है। तो देखो किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, पहले हम अपना गिवन डेटा उतार लेते हैं जो हमें दे रखा है, एक्स रेशियो वाई 2:3, तो एक्स अपॉन वाई बराबर 2y3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ओके। अब सेकंड पे आओ, 2:x इस टाइप से है, 4:8, तो 2 अपॉन x बराबर 4/8, एक्स की वैल्यू यहाँ से मेजर हो जाएगी, 2 × 4, 2 × 4, 8, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 4। जब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, 4 अपॉन y 2/3, 2 × 2, 2 × 4, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और ये y इधर चला जाएगा, तो 6 बराबर y, यानी कि y बराबर 6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। एक्स की वैल्यू आसानी से निकल गई, फिर पुटिंग कर दी तो हमारी वाई की वैल्यू भी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारा एंडोस्कोप, थर्मामीटर, सोनोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को मापने के लिए आप सबको पता होगा हम किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने के लिए कुछ हमारे क्या होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, और जैसे तेज हवाएं वगैरह और भी इसके से काफी सारे जो तूफान आंधी तूफान आता है उसको एक सिस्मोग्राफ के द्वारा भी उसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो मेनली होता है वो भूकंप को मापने के लिए, परमाणु परीक्षण में इतने बड़े बड़े जो विस्फोट हो जाते हैं उनकी तीव्रता का पता लगाने के लिए हम सिस्मोग्राफ का ही यूज करते हैं। ठीक, सोनोग्राफ क्या होता है? सोनोग्राफ हमारा होता है जैसे कि पहले सिस्मोग्राफ में आपको एक जिफ दिखा दूं अच्छी सी, ये हमारा देखो इस टाइप का होता है हमारा सिस्मोग्राफ, और ये इस टाइप से हम इसकी तीव्रता का पता करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी तेज थी। ठीक है, ये हमारा सिस्मोग्राफ है। अब बात करते हैं सोनोग्राफ। सोनोग्राफ क्या होता है? सोनोग्राफ होता है हमारा जो जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड का एक जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, जो अंदरूनी जो शरीर के अंदर के अंगों की फोटो खींचता है वो हमारा सोनोग्राफ होता है। इसका एक एग्जांपल अल्ट्रासाउंड ले सकते हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर्स वगैरह कराते हैं वो सोनोग्राफी के द्वारा होता है। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप बताओ। एंडोस्कोप भी हमारा क्या होता है, जो अंदरूनी रोगों का पता लगाने के लिए उनकी जांच करने के लिए एंडोस्कोप का यूज होता है। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चले नेक्स्ट, ये हमारा सिस्मोग्राफ है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर या ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो सबको पता है वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर क्या होता है। हमें तो सब पता होना चाहिए, हाइड्रोमीटर होता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से रिलेटेड है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर हमारे ह्यूमिडिटी मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। बात करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। आई होप चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। और बैरोमीटर होता कैसा है, अब ये देखो ये हमारा है बैरोमीटर। ठीक, इसमें लाइट्स वगैरह चल रही है, इसको स्टार्ट कर रही हूं। इस टाइप से हमारा क्या होता है बैरोमीटर, जहां पे इसकी हम रीडिंग एंड नोट कर लेते हैं। ओके, अब ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी की बात करते हैं। यदि ए का जो हमारे पहले क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5.5 बराबर बी मल्टीप्लाई 0.65। तो ए रेशियो बी किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ए अपॉन बी बराबर 0.65 अपॉन कितना जाएगा 5.5। यहां तक क्लियर करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाया, नीचे कितने थे एक डिजिट, ऊपर है दो डिजिट, तो जीरो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस करने के लिए जीरो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब क्या बनता है हमारे पास, ए अपॉन बी बराबर 65/550। अब इसको कट कर देते हैं हम पाँच से, पाँच एकम पाँच, एक इधर गया, पाँच तीन 15, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच 0, तो ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 13:110। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ए रेशियो बी की हमें वैल्यू पूछी गई थी और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया इसको। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर क्या होता है? देखो, वायु दबाव, उच्च तापमान, आर्द्रता या भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा। पायरोमीटर होता क्या है? पायरोमीटर हमारा होता है उच्च तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। इस टाइप का हमारा पायरोमीटर होता है। क्या होता है, जो हमारी भट्टी वगैरह होती है, जो सूर्य की, जैसे हमें पता है सूर्य का टेम्परेचर कितना, तो उसकी तरफ हम इसको कर देते हैं। ये हमारा डिजिटल पायरोमीटर है और यहाँ से हम क्या करते हैं उसका टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, भट्टियों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए।
ज्यादा से ज्यादा उच्च तापमान को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। इतना अपने माइंड में रखना, उच्च तापमान का, जैसे कि जो थर्मामीटर वगैरह से नहीं हो सकता उसको हम पायरोमीटर से उसको मेजर करते हैं, ठीक। और वायु दबाव मैंने भी बताया था, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। आर्द्रता क्या, ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर्स के द्वारा ह्यूमिडिटी मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, वायु दबाव से, वायु दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, आर्द्रता हमारी ह्यूमिडिटी किससे मापेंगे, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर के द्वारा, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। चारों ऑप्शन क्लियर होगा, लेकिन पायरोमीटर हमारा उच्च तापमान को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। ये हमारा है पायरोमीटर। चलो ऑप्शन 9 की बात करते हैं, रक्तचाप को मापने के उपकरण का क्या नाम है, रक्तचाप किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास सिस्मैग्नोमीटर, बी है थर्मामीटर, सी है ईसीजी, डी है स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर दीजिए, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है। तो रक्तचाप मापने के लिए हम स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस टाइप से हमारा होता है ये, और बाकी के ऑप्शन की बात करते हैं, थर्मामीटर क्या, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ईसीजी और स्टेथोस्कोप क्या होता है। ईसीजी होता है हमारा दिल से जुड़े जो रोग होते हैं उनको उनकी जांच करने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। और स्टेथोस्कोप तो वही होता है वो हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और स्फेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के उपकरण होता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करा दिए, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वो है ऑप्शन 10, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना। ऑप्शन 10 है हमारा ए रेशियो बी बराबर 3:4 और बी और सी है 6:5 हो, तो सी और ए का मान, देखो कितना इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है, जो दे रखा है पहले उसके नीचे उसकी वैल्यू, ए रेशियो बी हमारा कितना दे रखा है 3:4, अब बी रेशियो सी मतलब इसके नीचे सी लगा लो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5, इसी तरह से ए की वैल्यू 3, जो आगे वाला है वो आगे, बी की वैल्यू 4, ओके। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और सी की वैल्यू दे रखी है 5, ये हमारी पूरी कंडीशन है, हमारे पास गिवन डेटा है इतना। अब एक जगह आप माइंड करो, यहाँ पे बी की वैल्यू 4, इस वाली में उधर 6 है, तो कभी भी बी की वैल्यू दो वैल्यू नहीं होंगी, हमेशा एक ही होगी। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम करते हैं बैलेंसिंग, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूंगी, इसकी मल्टीप्लाई मैं 6 से कर दूंगी। अब 6 चौक 24 क्या हो गया, बी की वैल्यू 24 आएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएंगी ए बी सी, इस टाइप से हमारी आ गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 × 18, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 1 = 0। तो हमसे किसका पूछा, सी और ए की, तो सी रेशियो ए, सी हमारे पास कितना आया 10 और ए हमारे पास कितना आया 9, तो 10:9 ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा गया उल्टा पूछा है, सी रेशियो है मतलब ए रेशियो सी भी हो सकता, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ये नहीं लगाएंगे ऑप्शन, क्वेश्चन देख के ही आंसर देना है हमें, 10:A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक सेकंड मेथड बताती हूँ, जो दूसरे मेथड से भी ये हो सकता है, ओके। देखो इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं, ए बी सी 3:4 और बी की जगह 6:5। अब इसको बोलते हैं प्लॉटिंग मेथड, मतलब इसके पास वाला जो प्लॉट खाली है तो इस पर ये कब्जा करेगा 4, इसके प्लॉटिंग मेथड में इसके पास ये खाली है तो ये करेगा। अब इसको भी ऐसे बन जाएगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, ये उससे भी इजी है। तो सी और सी रेशियो ये कितना आ जाएगा 10:9, दोनों से आंसर सेम ही आना है, ओके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कितनी जल्दी समझ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 क्वेश्चन है हमारा, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई, लैक्सोमीटर, नैनोमीटर, फैदोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो महासागर की गहराई मापने के लिए हम यूज करते हैं फैदोमीटर का। फैदोमीटर के द्वारा महासागर की गहराई मापते हैं। होता कैसा है फैदोमीटर, देखो इस टाइप से हमारा लगा होता है, क्या होता है ना, साउंड जब वाइब्रेट करता है फिर वो पानी जलियान वगैरह नीचे जाता है और नीचे जाके वापस टकरा कर आता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी गहराई का पता लगाते हैं कि हम कितनी ऊपर है हमारी,
कितने ऊपर हमारी बोट चल रही है, कितने ऊपर हमारे जलयान चल रहे हैं, तो उसकी गहराई का पता लगाने के लिए हम फैदोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। और या फिर कुछ मतलब कोई भी चीज आ जाती है नीचे, उससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। नैनोमीटर हमारा होता है 10^-9 मीटर के बराबर, नैनोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हमारा सी ही हो जाएगा। और ये इसका एक मतलब शिप वगैरह देख के पूरा इसका सिस्टम समझाया गया है कि किस टाइप से ये वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा पूरा। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चलते हैं। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? समय को मापने के लिए डायगोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर या क्रोनोमीटर। तो समय के मापने के यंत्र को हम कहते हैं, बताओ जल्दी से, डायगोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर, क्रोनोमीटर। तो समय को मापने के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। क्रोनोमीटर क्या होता है, जैसे कि हमारे जो जलयान वगैरह होते हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इस टाइम टाइम क्या हो रहा है। तो उसका ये जलयान वगैरह पे लगे होते हैं, तो ये उस टाइम पे वर्क करते हैं, और इसको हम समय को मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर क्या होता है, द्रवों का वेग या फिर उनकी वायु का वेग और उसकी शक्ति को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ड्यूरोमीटर स्पेलिंग लगा, डायग्रोमीटर। ड्यूरोमीटर होता है शोर को मापने के लिए, जितना शोर हो जाता है उसको मापने के लिए हम ड्यूरोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। इस टाइप हमारी ये स्टॉप वॉच वगैरह भी होती है, इस टाइप से हमारा क्रोनोमीटर है ये, ठीक। ओके, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इनके वर्ग करके फिर इनका योगफल, जिनके वर्गों का योगफल 504 के बराबर हो जाता है। अब इनके वर्गों का योगफल हमें निकालना, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो उसको एक्स स्क्वायर ले लो, प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस 3 का आ जाएगा 9x स्क्वायर, बराबर 540। और ये कितना आ जाएगा, 14x स्क्वायर बराबर 504। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पे निकाल लो, 504/14, इसको आप काट लो, ठीक है, दो से ही काट देते हैं और काट देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36। 36 हमारा कितना होता है, एक्स बराबर 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36। अब इसने क्या पूछा है, अनुपात में तीनों संख्याएं बताओ, तो 3:1:2:6:12:18 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रेशियो क्या होता है, अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, जब तक कि उससे किसी से मल्टीप्लाई ना कर दी जाए वह अपने आप में पूरी संख्या नहीं मानी जाती है। तो एक्स बराबर 6 निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो अपने रेशियो से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो तीनों संख्याएं आ जाएंगी जो हमसे पूछी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ, मतलब जो हमारी मार्किंग टेबल होती है, सबने देखी होगी वर्कशॉप वगैरह में, जो मार्किंग टेबल होती है जहाँ पे हम अपनी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं, काफी सारे काम करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है, ये हमसे पूछा गया। मार्किंग टेबल कंक्रीट, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट या कोई नहीं। तो मार्किंग टेबल हमेशा याद रखना हमारी ग्रेनाइट की बनी होती है, ठीक है, जो हर वर्कशॉप में अवेलेबल होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है, प्रिक पंच का प्रयोग किस चीज में करते हैं, चिन्हों को बड़ा करने के लिए, छोटे चिन्ह बनाने हेतु, केंद्र पंच के साथ या मशीनिंग कार्य हेतु। तो प्रिक पंच का उपयोग हम करते हैं छोटे चिन्ह बनाने हेतु, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिक पंच का सेट दिखाते हो, ये हमारा क्या प्रिक पंच का सेट है। होता क्या है, प्रिक पंच का जो वो इसका जो एज का किनारा होता है 30° एंगल पर होता है, और ये 30° एंगल पर होता है, ये सेंटर पंच की तरह ही वर्क करता है, और इसको पंचिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। 30° एंगल, ठीक। प्रिक पंच का सेट था।
ऑप्शन 16 की बात करते हैं, अनुपात या रेशियो 11:15 की दोनों मदों मतलब दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। ओके देखो क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन ने बोला 11:15 में से कौन सी संख्या, हमें नहीं पता कौन सी, जो चीज़ नहीं पता होती है उसको क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कौन सी संख्या यानी कि एक्स संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। 90% क्वेश्चन यह हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 11 - x = 2 15 - x 33 - 3x 30 - 2x। ठीक है, अब 33 - 30 - 2x ये चीज उड़ जाएगी तो हो जाएगी +3x। ठीक है, 3 = x, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो हमसे पूछा क्या गया है, दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए, अच्छा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो वो संख्या क्या आ गई हमारे पास, x = 3 घटाई जाए ताकि हमारा रेशियो 2:3 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें, 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन गैस बेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस बेल्डिंग TIG बेल्डिंग, प्रसार बेल्डिंग, दबाव बेल्डिंग या सलयन बेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीएसिटिलीन गैस बेल्डिंग हमारी होती है सलयन बेल्डिंग। क्या होता है, जो भी हम धातु को जब बेल्डिंग करते हैं तो दोनों को आपस में मिलाकर रखते हैं और उसको मेल्ट करवाते हैं, फिलर जो होता है फिलर धातु उस पर डलती है तो एक सॉलिड, उसके ठंडा होने पर एक सॉलिड जोड़ बन जाता है, तो वो हमारी बेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो एक बात याद रखना, ये जो हमारा मेहरून सिलेंडर होता है ये हमारा एसिटिलीन का होता है और ब्लैक सिलेंडर हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि एसिटिलीन का सिलेंडर किस कलर का होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर का और एसिटिलीन हमारा होता है मेहरून कलर का। और ये हमारी एक बैटरिंग प्रोसेस दिखाया गया है जहाँ पे प्रेशर गेज, सिलेंडर कंटेंट कैपेसिटी सब कुछ इसमें दे रखा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कांसे में तांबा और जस्ते का रेशियो इतना है। ठीक है, कांसा कोई हमारी चीज है, वो कांसा है, कांसे में क्या तांबा और जस्ता मतलब कॉपर और जिंक का रेशियो, कॉपर कितना है 13, जिंक है 7। तो 100 ग्राम कांसे में कितना जस्ता है, टोटल कांसा कितना है, टोटल कांसा है हमारे पास 100 ग्राम। अब एक बात देखो, टोटल 100 है और 100 को जो 13:7 में तोड़ा है तो 13:7 बराबर कितना हो जाएगा 20, 20:100, 0 से 0, 2 × 5 = 10, 1:5 आ गया 5। अब हमसे क्या पूछा है, कांसे में कितना जस्ता है, मतलब कांसे में कितना जस्ता है, ये चीज हमसे पूछी है। तो 7 हमारा क्या है जस्ता, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, 7 × 5 = 35 जो है हमारे पास जस्ते की वैल्यू है, और 13 × 5 = 65, 65 क्या हो जाएगा, 65 हमारे पास हो जाएगा कॉपर। बहुउपयोगी कंपास, ठीक, इसको इस नाम से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़े अगर ट्रामल आपको ना दिखे तो बहुउपयोगी कंपास भी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये हमारा ट्रामल है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टील रूल बनाया जाता है, स्टील रूल तो सबके पास होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फोर्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील। तो स्टील रूल हमारा किससे बना होता है, स्टील रूल हमारा बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है स्टील रूल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक नोट दे रखा है जहाँ पर आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, सारे इसके लेट हमारे चैनल के अब तक के लेटेस्ट अपडेट वगैरह आप उसको मिल सकते, आपको सबसे पहले मिलेंगे हमारे इस पर। ठीक है, और आपका एग्जाम जो है जनवरी तक टेंडिव है, अगर और भी कोई न्यू अपडेट आता है तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी, आप जब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि x और v की वैल्यू कितनी है, x बराबर देखो x की वैल्यू 5, v की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, x / v = 5/2। अब ये हम उतार लेंगे 8x + 9y = 8x + 2y। x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y या फिर v, ये y होगा, y की जगह y की वैल्यू रख दो। ओके,
8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, इसको अलग कर लो, और 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इसको और कट कर लो, 29:22। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29:22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जा सकता है, जो हमारे गैस से आग लग जाती है, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र के द्वारा, CTC अग्निशामक यंत्र के द्वारा, पानी द्वारा, या उपरोक्त तीनों के द्वारा। तो गैस से लगी आग को हम बुझाते हैं ड्राई पाउडर अग्निशामक के द्वारा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और गैस से लगी आग हमारी किस में आती है, क्लास सी की आग होती है हमारी गैस से लगी आग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ड्राई पाउडर अग्निशामक के द्वारा हम गैस से लगी आग को बुझा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधी रेखा या वक्रकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से उचित उपकरण कौन सा है, सीधी रेखा या वक्रकार भागों को विभाजित करने के लिए डिवाइडर, प्रोटेक्टर, ट्राई स्क्वायर या टेम्पलेट। तो सबसे पहले ये देखो ना, बराबर भागों में विभाजित किससे करेंगे, डिवाइडर के द्वारा। डिवाइडर के द्वारा हम किसी भी सीधी रेखा या वक्रकार रेखा को बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, चाप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिवाइडर क्या होता है, इस टाइप से हमारा डिवाइडर देखो ये वर्क करेगा, ये इसमें इस टाइप से चाप, इस टाइप से मार्किंग हम इसकी करते हैं। ओके, और यहाँ पे ये हमारा साइड से स्केल लगा हुआ है जहां हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्केल आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जीरो पॉइंट जीरो नाइन का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल मतलब अंडर रूट, और कितना, 0.09। पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो बनेंगे, दो, दो के बाद पॉइंट लगा तो दो जीरो नीचे आ जाएंगे। हमें पता है 9 क्या होता है, 3 × 3, नीचे ले लो 10 × 10। अब रूट हटाने के लिए एक पेयर इसका भार ले लो, तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, हमेशा दो पेयर का एक पेयर भार, रूट खल्लास, तो 3/10, तो कितना जाएगा 0.3, एक के बाद पॉइंट लगा दो, वेरी इजी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉग एक्सटिंगजर का प्रयोग किसकी आग बुझाने के लिए करते हैं, और क्लास बी, क्लास डी, क्लास ए, क्लास सी। पहले बात हमें सब पता होनी चाहिए क्लास ए बी सी डी कौन कौन से किस में आती हैं। ठीक है, और फॉग एक्सटिंगजर का प्रयोग हम करते हैं क्लास बी की आग बुझाने के लिए। देखो क्लास ए की आग क्या होती है, क्लास ए की आग में आती है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट की आग, क्लास ए की आग होती है। क्लास बी की आग में क्या आती है, क्लास बी में आता है हमारा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन से लगने वाली आग, क्लास बी की आग आती है। क्लास सी में कौन सी आती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, गैसेस जो होती है उनसे लगने वाली आग, क्लास सी की आग आती है। क्लास डी की आग आती है जैसे कि घरेलू आग बोल सकते हैं, विद्युत सर्किट, शॉर्ट सर्किट वगैरह जो हो जाते हैं वो हमारी क्लास डी की आग आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सूक्ष्म रसायन वाले जो ड्राई होते हैं, ड्राई रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग कौन सी आग बुझाने के लिए करते हैं, विद्युत आग, तेलीय आग, लकड़ी की आग, या इनमें से कौन है। तो सबको पता है सूक्ष्म रसायन वाले क्या करते हैं, विद्युत आग में हम सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ सोडियम बाइसल्फेट का मिश्रण या पाउडर फेंका जाता है जिससे हम सूक्ष्म विद्युत आग को बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ओके, पहले हमारे पास क्या, दो संख्याएं 3x और 4x है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं, और इनका लासा क्या हो जाएगा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या LCF भी होता है, फैक्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 और 3 का LCM आप सबको पता है 12x,
और ये उनका लासा 240 है, तो इनका 12x किसके बराबर दे रखा है, 12x हमारे पास दे रखा है 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 12, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। पूछा क्या गया है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी, 3 × 20 16। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते 20 से, तो हमारी बड़ी संख्या आ जाती 80। लेकिन यहाँ पूछा गया है दोनों में से छोटी संख्या, तो हमारा 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रैपर किस धातु के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील। स्क्रैपर हमारे बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के। स्क्रैपर होता क्या है, स्क्रैपर हमारा होता है जैसे कि जो मशीनिंग करने के बाद जो हमारे पास खुरचन वगैरह हो जाती है, उसे हटाने के लिए, उसे साफ करने के लिए हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, जिससे कि वो हमारी हमारी कोई सतह होती है, कोई मतलब सरफेस होता है, वो साफ हो जाता है। ओके, और ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 29 क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लिया एक संख्या एक्स है और एक संख्या वाई है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने होता है दो संख्याओं का माइनस कर दो, एक्स माइनस वाई, और दो संख्या और उनके योग का, मतलब उनका योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना है, 45% है, ये हमसे बोला गया है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से रेशियो, मतलब एक्स रेशियो बाई हमसे पूछा गया है। इजी, इसकी काट दो 9:20, 20 को उधर पहुंचा दो, 9 की तरह मल्टीप्लाई करो, 20x - 20y = 9x + 9y, एक्स को एक्स की साइड, वाई को वाई की साइड कर दो, 20x - 9x 9y + 20y, तो यहाँ हो गए 11x = 29y, तो x रेशियो y हमारे पास हो जाएगा 29/11, तो ऐसे लिख दो x रेशियो y 29:11, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर कुछ चाहता है हम गलती करें, वो ऑप्शन ही कुछ इस टाइप से बना देता है, देखो 11:29 में, तो हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कौन सी होगी वाई की, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, 29:11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये हमारा न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पर। ओके, ये हमारा MGM महागुरुमन कॉम्बो पैक है, जहाँ आपको डेली लाइव क्लास 6:30 मिलती है, और यहाँ 250+ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और इसको आप ज्वाइन करना ना भूलें, इसको भी आप ले सकते हो, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है, और 2 दिन के लिए हमारा ऑफर चल रहा है, तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।